हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 8 का चैप्टर 4, द ट्रेजर विद इन। तो इसमें हम लोगों को बताया गया है एक बच्चे के बारे में, जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था बचपन में, बट बाद में वो जाकर बड़े होकर वो काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने। तो उनका नाम है, पहले चलिए बिफोर यू रीड में पढ़ लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा अच्छा इंसाइट मिल जाएगा पूरे चैप्टर का क्या बताया गया है। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हर चाइल्ड जो है, हर बच्चा एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा अचीवर होता है, पोटेंशियल मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है कि वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में पा सके। और सबके जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है, याद करने का, चीज़ों को समझने का तरीका, वो अलग अलग होता है। फिर इस पर हमसे बोला गया है कि रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन बिटवीन एमएस बेलराज, एडिटर ऑफ स्पर्श अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स। तो इसमें हमें एक इंटरव्यू बताया गया है, इस पूरे चैप्टर में इंटरव्यू है किसका, मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो काफ़ी बड़े इंडिया के आर्किटेक्ट हैं, और एमएस बेलराज, जो कि एक एडिटर है न्यूज़लेटर की। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से। ये HC हैं जो ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, और BR जो है, जैसे HC करके लिखा गया है, तो मतलब वो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बोल रहे हैं, और BR जो है वो है बेल राज, तो बेल राज जो है उनके आगे BR करके लिखा हुआ है। तो स्टार्ट कर दे। HC मतलब वो ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज़ टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर। मेरे को हमेशा से मतलब जनरली आता था एक टेरेबल मतलब बहुत ही बुरा नाइटमेयर, मतलब बहुत ही बुरा सपना, टेरेबल नाइटमेयर बहुत बुरा सपना, और वो सिर्फ अभी 3-4 साल पहले से ही, लगभग 4 या 5 साल पहले से ही वो आना बंद हुआ है, डिसअपियर हुआ है, मतलब गायब हो गया है। अब जो उनके वो बेलराज हैं वो बोलती हैं, वट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा मतलब क्या नाइट मेयर था, ऐसा कौन सा बुरा सपना था जो आपको आता था और अब वो क्यों गायब हो गया है। फिर HC बोलते हैं, आई यूज़ टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनी थिंग, नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइट मेयर्स। तो फिर वो बोल बताते हैं कि उनको जो नाइट मेयर आता था, कंटिन्यूस बुरा सपना आता था कि मैथ्स का उनका एग्ज़ाम चल रहा है और उनको कुछ भी नहीं आता है। और फिर वो आगे बोलते हैं कि अब जो है मेरा दिमाग इस चीज़ों को वैसे भूल चुका है और एजुकेशन के बारे में मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और जो नाइट मेयर है इन बुरे सपनों का मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है। तो हम लोग नाइट मेयर हमने देख लिया, और साइकी का मतलब माइंड या फिर मेंटालिटी से होता है। अब BR, जो BR है वो बोलती हैं, सॉरी, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि आप अपनी जो पुरानी यादें हैं स्कूल के बारे में, अर्लीस्ट मतलब बहुत पहले की मेमोरीज, मतलब जो यादें हैं उनके बारे में आप हमें बताइए जो आपके स्कूल से रिलेटेड हैं। तो HC बताते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। फिर HC बोलते हैं कि फर्स्ट सेकेंड क्लास तक तो मैं अच्छा था, मगर थर्ड क्लास में पहुँचते ही मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, और मेरा मतलब पढ़ाई से बिल्कुल ही ध्यान हट गया। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और मेरे को इंटरेस्ट आने लगा गेम खेलने में, इधर उधर भागने दौड़ने में, और दूसरों के मजाक उड़ाने में और शैतानियाँ करने में। प्लेइंग जोक्स का मतलब किसी का मजाक उड़ाना या किसी को परेशान करना, प्रैंक का मतलब होता है जैसे कि किसी को बुद्धू बनाना, बेवकूफ़ बनाने को कहते हैं प्रैंक। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। और एग्जाम में मैं क्या किया करता था कि मैं कॉपी कर लिया करता था अपने दोस्तों से, और या फिर मैं एग्जाम पेपर का पता लगा लिया करता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहता था जो मैं क्लास में पढ़ता था। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ, तो मगर बाद में क्या हुआ कि मेरे प्रिंसिपल ने एक बात मुझसे कही थी जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया।
हाँ, तो वो आगे बताते हैं कि जब वो 11th क्लास में पहुंचे तो उन्होंने उनके जो प्रिंसिपल थे, एचसी के प्रिंसिपल थे, उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा मैं देख रहा हूँ तुम्हें पहले ही दिन से तुम्हारे स्कूल के, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, मगर तुमने कभी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया और आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, मगर आगे मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और अब तुम्हें अपनी पढ़ाई का ध्यान खुद ही रखना होगा। और फिर वो एचसी बोलते हैं कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे लगभग 5 मिनट तक बात की और वो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर की तो बहुत पहले ही डेथ हो गई थी और तुम्हारी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं कि ताकि तुम इसमें स्कूल में पढ़ पाओ और वो तुम्हारी फ़ीस पे करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो अब तुम्हें अपना ध्यान जो है वो पढ़ाई पे लगाना चाहिए खेलकूद से हटा करके। और मतलब इसी तरीके से वो उनको समझाते हैं। अब मैं एक्चुअली रीड नहीं करूँगी इस चैप्टर में ना, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने पढ़ा है बट कोई बहुत इंपॉर्टेंट और टफ वर्ड्स नहीं है, तो इजीली आपको सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन समझा दूँगी, तो वो भी काफ़ी एनफ रहेगा इस चैप्टर के लिए। बीच बीच में जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। फिर जो एच सी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं एक काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्समैन था और मैं जो था सीनियर चैंपियन था अपने स्कूल के टाइम में, और मैं अपना स्कूल का क्रिकेट कैप्टन भी था और मैं हर गेम खेला करता था, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, मगर 11th क्लास में जब मैं पहुंचा तो फिर उस साल मैंने जो खेल के मैदान है, ग्राउंड है, उस पर कदम भी नहीं रखा। मैं प्रेयर करने जाता था और ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, और मैं प्रेयर करता था और खाता था और मतलब सिर्फ दो काम करता था, एक मैं खाता था और एक मैं पढ़ाई करता था, और नॉर्मली तो मैं मतलब जो कॉपी कर देता था और पास कर देता था, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो सीनियर सेकेंडरी क्लास होती है उसमें मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा एसएससी में। और फिर वो आगे बताते हैं कि जब उनकी सेकेंड डिवीज़न आई, 50% मार्क्स आए एसएससी में, मेरे प्रिंसिपल ने ये कहा, सन आई कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। फिर जब उनकी एसएससी में 50% आई तो उनके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बोला कि बेटा मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स 50% नहीं, ये डिस्टिंक्शन आई है। डिस्टिंक्शन आती है 75% से ऊपर, 75% से ऊपर जो आप आते हैं उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं। आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कॉन्ट रिमेंबर, आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी इजली, टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। फिर जो एच सी होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं मगर मेरे को कुछ भी ना अच्छे से याद नहीं रहता है, और अगर मेरे को कोई चीज़ याद रखनी है तो मुझे बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखने पड़ते हैं, बिना फोटोग्राफ्स देखे मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। तो वो बताते हैं कि अगर मैंने कोई किताब पढ़ी है तो मैं उस किताब को याद रखने के लिए एज अ फोटोग्राफ, अगर मैंने उसका फ़ोटो देखा है तो ही मैं उसे याद रख पाऊँगा, वरना मेरे को कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं। फिर बी आर बोलते हैं कि जब आप स्कूल में थे तो आप काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहे थे अपने स्कूल में, मतलब आप अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, तो क्या आपके जो टीचर्स हैं वो पुल यू अप एंड डिड यू फील एंड हाउ डिड यू फील। देखो पुल यू अप का मतलब होता है कि टीचर्स सुनाते हैं ना बच्चों को, जो बच्चे वीक होते हैं पढ़ाई में उनको काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए और डांटते वगैरह, तो उसके लिए हम पुल यू अप का यूज़ करते हैं। तो एच सी बोलते हैं कि मेरे को तो कभी कोई चीज़ फील ही नहीं हुई, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरा इतना ज़्यादा ध्यान था खेलने में कूदने में कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था मुझे कोई क्या बोल रहा है। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, और मैं हर वीक एक कैनिंग रिसीव करता था। कैनिंग का मतलब होता है जैसे कि डंडे से पिटाई होना, जैसे कि हाथ से होता था ना पहले, मोस्टली टीचर्स क्या करते थे, एक डंडा रखते थे अपने पास और बच्चे बच्चों के हाथ पे खूब उससे मारा करते थे, जो शैतानी करते थे बच्चे, तो वही होता है कैनिंग। बी आर बोलते हैं बी आर बोलती हैं, वेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर बट बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, वेन यू न्यू सॉरी वेन यू वुड गेट अ कैनिंग, वॉट वॉज द स्टेट ऑफ योर माइंड। तो बी आर बोलती है कि मतलब आपको पता होता था कि आपने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है अपने टीचर्स को, आप होमवर्क नहीं किया है और आप बिहेव भी अच्छे से नहीं करते हो, तो आपको पता होता था कि मतलब आपको पिटाई पड़ेगी, तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड था उस टाइम आप क्या सोचा करते थे। ऐसी बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मेरे को पता होता था कि मेरी पिटाई पड़ने वाली है तो मैं तो अपना हाथ आगे कर देता था, वो मुझे मार देते थे, बस बात ख़त्म, मैं खेलने चले जाता था और मुझे कभी कोई बात याद ही नहीं रहती थी कि मेरी पिटाई पड़ी या कुछ हुआ, इस तरीके से वो बोलते हैं।
तो बी आर बोलती है कि क्या आपको कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ, थ्रेटन्ड फील नहीं हुआ? इनसिक्योर फील होने का मतलब होता है कि कुछ अच्छा सा ना लगना, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या होगा मेरे साथ आगे। थ्रेटन्ड का मतलब होता है डर लगना, तो ये हो गया। अच्छा हाँ, ये इनकर द रेथ ऑफ योर टीचर का मतलब है कि मेड योर टीचर फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही गुस्से वाला, मतलब गुस्से गुस्सा ला देना किसी को। तो इनकर द रेथ ऑफ योर टीचर का मतलब है अपने टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना या उनको गुस्सा कर देना। हाँ, तो थ्रेटन का मतलब होता है डरा हुआ। तो बी आर बोलती है कि तुम आपको क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि इनसिक्योरिटी फ्यूचर के लिए, या फिर आपको कभी डर लगा हो? तो एच सी बोलते हैं कि मेरे को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट था खेलने में, और मेरे को पूरा इंटरेस्ट था कि मैं फ़नी प्रैंक्स बनाऊँ। मेरे को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं अपने को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड ही रखता था, अपना ध्यान भटकाए ही रखता था पढ़ाई से। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकना, तो मैं अपना ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्टेड ही रखता था, और मैं घंटों तक चोर पुलिस खेला करता था। हर सैटरडे हम लोगों को टाउन में जाना अलाउड था। ये जो ऑथर है ना, सॉरी, ये जो एच सी हैं जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ये मतलब एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। तो उनको वो बताते हैं कि हर सैटरडे हम लोगों को टाउन में, शहर में जाने दिया जाता था। तो मैं क्या करता था, सैटरडे को लंच नहीं करता था और सारे बच्चों से पैसे इकट्ठा करके मूवी की टिकट लेने चला जाया करता था। और मुझे मतलब फिर जब मैं वापस आता था, फिर उसके बाद आराम से पेट भर के खाना खाता था। मैं अपने जो गैंग था उसका लीडर हुआ करता था, और सारी की सारी जो लड़ाइयाँ होती थी और जितनी भी प्लान्स और स्ट्रैटेजी बनानी होती थी, वो सब मैं ही किया करता था। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी। और पढ़ाई, अकेडमिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पढ़ाई से रिलेटेड होती है। तो अकेडमिक्स में वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और स्टूडेंट्स जो थे वो बुक किया करते थे मेरी टेक्स्ट बुक अगले साल के लिए, क्योंकि मेरी जो बुक्स होती थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी, क्योंकि मैंने उन्हें खोला ही नहीं होता था बिल्कुल भी, और मैं एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले ही अपनी बुक्स को खोला करता था। अब सेकेंड पार्ट है बी आर जो है वो पूछते हैं फिर कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे गए? तो एच सी बताते हैं कि कॉलेज, मतलब आर्किटेक्चर का जो कॉलेज होता है उसमें जाने के लिए तो आपको 80-85% चाहिए होते हैं, मगर मेरे तो सिर्फ 50% आए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं आर्मी को ज्वाइन कर लूँगा, और मेरा एडमिशन लेटर भी आ गया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, मगर मेरी जो आंटी थी उन्होंने उसे फाड़ के फेंक दिया। टोर इट अप का मतलब होता है फाड़ के फेंक देना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँगा, मगर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, तुम अब फिलहाल अपनी सिर्फ ग्रेजुएशन करो। तो मैंने जय हिंद कॉलेज जो कि बॉम्बे में था उसमें मैंने एडमिशन ले लिया, और वहाँ पर या तो मुझे फ्रेंच लेनी पड़ती या फिर जर्मन लेनी पड़ती। फिर बोलते हैं मैंने पढ़ी तो थी फ्रेंच 7 साल तक, मगर मुझे फ्रेंच के 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे, तो मैंने जर्मन ले ली। मगर फिर क्या हुआ कि जो जर्मन के टीचर थे कॉलेज के, उनकी डेथ हो गई, तो कॉलेज ने कहा कि या तो मैं अपना कॉलेज चेंज कर लूँ या फिर मैं जर्मन ले लूँ, सॉरी, या तो मैं कॉलेज चेंज कर लूँ या फिर फ्रेंच ले लूँ, क्योंकि उन्होंने तो पहले जर्मन ली हुई थी। तो फिर वो क्या बताते हैं एच सी की मेरा एडमिशन यहाँ पर इन्फ्लुएंस से हुआ था, तो किसी और कॉलेज में मेरे को कैसे एडमिशन मिलता? तो मैंने कहा ठीक है फ्रेंच ही ले लेता हूँ। फिर मैंने फ्रेंच लर्न करना स्टार्ट किया, और मैंने ये स्टार्ट किया लर्न करना अपनी कज़न से, और मेरी जो कज़न थी वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, तो मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाया करता था फ्रेंच सीखने के लिए। अब आगे बी आर बोलती हैं कि आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर करना है? तो एच सी बताते हैं कि ये जो चीज़ हुई ना, कि ये बिल्कुल बाई चांस हुई। मैं जब आर्किटेक्चर के ऑफिस में, आर्किटेक्ट जो थे उनके ऑफिस में गया था अपनी बहन से, अपनी कज़न से पढ़ने के लिए फ्रेंच, तब मैंने देखा कि कोई मतलब विंडो की ड्राइंग बना रहा है अपनी शीट पर, और मतलब फिर वो ये बताते हैं कि अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग, और जो विंडो की जो डिटेलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टाइप की ड्राइंग होती है। मैंने मतलब उसको ड्राइंग को देखते ही बोल दिया कि ये जो ड्राइंग है आपकी ये गलत है, और ये जो विंडो आप ड्रॉ कर रहे हो ये तो खुलेगी, खुल ही नहीं पाएगी। और फिर जो मेरी है उनसे बैठ लग गई जो ड्राइंग कर रहे थे कि, और फिर लेटर उन्हें पता लगा कि जो ड्राइंग थी वो सच में गलत थी। और फिर जो मेरी कज़न के हस्बैंड हैं वो सरप्राइज हो गए, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए ये देख के, और उन्होंने मुझसे पूछा ड्राइंग के कुछ डिटेल्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में, जो मतलब मेरे को एकदम से मैंने उनको बता दिया। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक घर को डिज़ाइन करूं, मैंने डिज़ाइन कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हर चीज़ को छोड़ दूं और आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लूं। और फिर हम लोग गए अपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए अपने कॉलेज के, तो प्रिंसिपल ने मुझे वार्न कर दिया कि मैं ठीक है तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ करूँगा, मगर अगर तुम
बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, और अगर तुम सही नहीं करोगे तो मैं मगर तुम्हें ज्वाइन नहीं करूँ करने दूंगा। और फिर वो बताते हैं कि अगर ए मतलब मेरा ए प्लस आया एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, और उस दिन से आज दिन तक मतलब मेरे लिए ये जो आर्किटेक्चर का पूरा था एक केक वॉक जैसा था। केक वॉक का मतलब होता है कोई बहुत ही आसान काम हो जाए जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता हो, बहुत ही ईजीली से कोई उसे कर पाता हो। फिर वो बोलते हैं एच सी कि मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया, मतलब मेरे को मैंने किसी भी चीज़ को ऊपर से देखा और बस उसको बना दिया, और मुझे कभी किसी भी सेक्शन के बारे में नहीं पता था, बट मेरे को ये पता था कि कोई भी चीज़ अगर उस चीज़ को काटा जाएगा, उस चीज़ को कट करके कोई भी जो प्लान बना जाएगा, फिर वो चीज़ कैसी दिखेगी, मैं सिर्फ ये सोचता था। और उसके बाद से जब से मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के मैंने जब तक आर्किटेक्चर पढ़ा, मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया। और मैं ये मानता हूँ कि समझना काफ़ी ज़्यादा है, जो ये सब समझ आई मेरे को ये मैंने कभी स्कूल में नहीं सीखा, ये मैंने जो प्ले ग्राउंड में खेलता था उसी टाइम पर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें सीखी हैं। और मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है बहराम दिवेजा, और हम लोग मतलब हमारे बीच में कंपटीशन हुआ करता था डिज़ाइन करने के लिए, जो फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, गन्स, एम्यूशन, फोर्ट होते हैं किले, गन्स होती है बंदूकें, एम्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जैसे कि गोला बारूद, जैसे गन्स हो गई, बॉम्ब्स हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें एम्यूशंस होती हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हुए डिज़ाइन किया करते थे। और फिर ये आगे बताते हैं ऐसी कि जब मैं स्कूल में था, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता, उन्होंने मेरे स्केचेस को, मेरी ड्राइंग्स को देख के कहा था कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, वैसे तो बाकी कोई सब्जेक्ट तो तुम पढ़ते नहीं हो, मगर ये जो स्केचेस तुम बना रहे हो इस पर तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें बड़े होकर तुम आर्किटेक्ट बनोगे। और मुझे उस टाइम तो पता नहीं था कि ये सब क्या होता है, मगर वो बिल्कुल सही थी। और जब मैं आर्किटेक्ट बन गया उसके बाद मैं उनसे मिला और उनको जाकर बताया कि मैं आर्किटेक्ट बन गया हूँ। तो बी आर बोलती है कि वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कैन कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम? तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें, आप लोग को मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्टडीज़ पसंद नहीं थी, आपकी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, कि आप करिकुलम के साथ डील नहीं कर पाए? करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, जो पैटर्न डिफाइंड किया होता है कि किस स्टूडेंट को कैसे कैसे पढ़ना है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं लैंग्वेज में मतलब काफ़ी ख़राब था, साइंस और ज्योग्राफी तो फिर भी मैं कर लिया करता था, मगर जो मैथ्स थी वो मेरी हद से ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता था मैथ्स में, मैं पढ़ रहा था सिर्फ और सिर्फ कि पढ़ना है, सिर्फ इसलिए। और बट अगर आज मुझसे कहा जाए कि मतलब मेरे को जो भी बताया जाता था मैं उसको 2 दिन में भूल जाता था, और मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि मेरे को वो याद रहे या ना रहे, मुझे कभी पढ़ाई से फ़र्क ही नहीं पड़ा स्कूल टाइम में। तो बी आर बोलती है कि क्या आपको लगता है कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, और आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते थे, और मतलब इसीलिए आप जो अपने लेसन्स थे जो स्कूल था उसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया? फिर ऐसे बोलते हैं कि लिविंग इन अ बोर्ड स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हम लोग सिर्फ एक दिन से दूसरे दिन तक सिर्फ जीते जाते हैं, और आजकल तो क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट दिए जाते हैं, मगर तब क्या होता था कि हम लोग जो टेस्ट थे सिर्फ कॉपी कर लिया करते थे, और टीचर सोचते थे कि हम लोगों ने अपना काम खुद किया है। फिर बी आर पूछती है उनसे, देर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? तो उससे मतलब ऐसे बोलती हैं कि ऐसा मतलब लोग मानते हैं ऐसा कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं और मतलब जो भी हम लोगों का जो हुनर होता है वो गिफ्ट होता है, और जो ना सीखने वाली जो इसमें देखिए इस तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं कहते कि किसमें अगर कोई कमी होती है तो उसमें कोई ना कोई बहुत ही अच्छा गुण भी होता है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी कि सीख ना पाना, मतलब आप स्कूल में अच्छे नहीं थे, आपको सीख पाने में आपको दिक्कत होती थी, और आपको जो गिफ्ट मिला है आर्किटेक्चर का, कि ये दोनों एक ही चीज़ है कि आप सीख नहीं पाते थे इसलिए आपको गिफ्ट मिला, क्या आप ऐसा समझते हैं? तो ऐसे ही बोलते हैं कि वेल कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के, उनको सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाया करता था, और वो क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते थे, मगर आज वो बहुत ही मामूली सी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत ऑर्डनरी जॉब्स कर रहे हैं। फिर वो बी आर बोलती हैं कि मतलब मैं ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशन से पड़ी सामना हुआ है जिसमें अलग अलग प्लेसेस पे लोग अलग अलग मतलब रहते हैं, क्लास के टॉपर्स अलग होते हैं, मगर वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरीली आज मतलब काम कर रहे हैं ऐसे। फिर वो एचआर ये भी बोलते हैं कि हाँ मतलब स्कूल में जो
काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई किया करते थे वो आज काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, और जो स्कूल में बच्चे बेकार हुआ करते थे वो आज अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा। अब HC जो है वो बोलते हैं कि स्कूल में क्या होता है कि हम लोगों को बाहर की दुनिया से अलग रखा जाता है, बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन पाते कि बाहर में क्या चल रहा है, वो अपनी किताबों में ही रह जाते हैं। और मैंने क्या करा था कि मैंने जो बाहर की चीज़ें थी उन पर ज़्यादा ध्यान दिया था अकेडमिक्स की बजाय। फिर जो BR होती है कि दिस इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कम्फर्टेबल विद, एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वट यू नीडेड टू डू। फिर वो BR ऐसे करके बोलती हैं कि मतलब ऐसा इसलिए था कि आपकी जो पर्सनैलिटी थी और स्किल्स थी आपके पास, और आप मतलब अपनी जो बातों को कहने का तरीका, आप जो करना चाहते थे उसको परफॉर्म करने का एक्सप्रेशन आपके पास था, और आप उसमें कंफर्टेबल भी थे, और आपने मतलब जो डिफाइंड जो रूल्स थे उनको डिफाई किया, मतलब आपने उनको मतलब नकारा, और इस तरीके से आपने काम किया कि कोई भी आपको रोक ना पाए। तो HC बोलते हैं कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था दूसरी चीज़ों में, जैसे कि अपनी जब क्लास चलती थी तो, और अगर बाहर बारिश पड़ रही है तो मेरे दिमाग में चलता था कि पानी कैसे बह रहा होगा, और अगर मैं कोई डैम बना दूं तो मैं उस पानी बहते हुए पानी को कैसे रोक पाऊंगा। मैं सोचता था कि किस तरीके से पानी उस डैम के अंदर बहेगा, और वाटर जो है डैम मतलब डैम वाटर को किस तरीके से होल्ड करके रख पाएगा। उस समय जो होता था मेरा इंटरेस्ट उसी चीज़ में होता था, मगर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरीके से बताते थे कि बच्चों का ध्यान अगर क्लास में होता था और अगर कहीं मैं बाहर देख रहा होता था जैसे बारिश भी हो रही है, तो मेरा ध्यान जो ऐसा होता था कि उस चीज़ को किस तरीके से किया जा सकता है, बारिश का पानी है तो कैसे उसको डैम बना के रोका जा सकता है, पानी उस डैम के अंदर कैसे बहेगा, मैं हर चीज़ को पिक्चर करके देखता था अपने दिमाग में। वो आगे बताते हैं कि जब जो बच्चे हैं वो अपना बटन खो देते थे खेलते हुए या फिर लड़ते हुए, तो वो मेरे पास आते थे कि और मैं उनका चौक से बटन ड्रॉ कर देता था एक ब्लेड की सहायता से। डिसिप्लिन जो था स्कूल में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मतलब वो बच्चे जैसे ही कोई बटन वगैरह खो जाया करता था तो वो मेरे पास आ जाया करते थे। और मतलब स्टूडेंट्स को मतलब डिनर तक के टाइम तक बिल्कुल नीट यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब BR बोलती हैं कि आप अगर हम आज आज के टाइम पे आएँ तो आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे मतलब समझ पाते हैं कि उनको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो HC बोलते हैं कि मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके कपड़ों को देखता हूँ, उसके बातचीत करने के तरीके पे ध्यान देता हूँ, कि वो चीज़ों को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है उस पर देखता हूँ, वो क्या खाना पसंद करता है, उसके खाने का टेस्ट कैसा है, और मैं ये सारी चीज़ें उस पर्सन से रिलेट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वो कैसा चीज़ों में कंफर्टेबल फील कर रहा है, और फिर साथ ही साथ क्या होता है मैं स्केच को ड्रॉ कर देता हूँ और वो लोगों को पसंद भी आ जाता है। तो जो BR बोलती हैं कि आप ये मतलब इंस्टिंक्टिवली मतलब कोई ड्रॉ करते हैं, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ नेचुरली आ जाना। आपको एकदम से हो सकता है कि अपने फ्रेंड को आप देख के समझ जाते हैं ना, इसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि इंस्टिंक्ट क्या होता है। जैसे आप अपने फ्रेंड को देख के समझ गए कि हाँ मतलब इसको कोई प्रॉब्लम है या ये बहुत खुश है, जिसको आप बहुत क्लोजली जानते हैं आप उसको समझ जाते हैं, तो वो होता है इंस्टिंक्ट जो कि नेचुरल होता है कि हम समझ पाते हैं कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको चैप्टर पर आते हैं तो जो HC हैं वो बोलते हैं ये आप इसे इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं या फिर इसे अर्थमैटिक बोल सकते हैं, आप इसको जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, ये मतलब मेरे लिए कोई मैथमेटिक्स टाइप जैसा ही है कि मतलब डिज़ाइंस को एक साथ रखो उसको बनाओ, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे स्केच में आ जाती हैं और इसको फिर मैं मैथमेटिक्स बोलता हूँ। फिर हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स टेकिंग इट फ्रॉम सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। तो फिर अब ये चैप्टर हमारा जो है वो कम्प्लीट हो गया है। फिर पूरा वो बताते हैं कि लास्ट में है कि एक फुल सर्किल बन गया है कि जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर थे स्टार्टिंग में उनको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर अब जो था वो सब्जेक्ट जिससे वो नफरत करते थे आज वो उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।